अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअददि मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ़। करबलाए मौला अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत, इश्क, मवद्दत और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के अजर को अदा करने का मरकज़ है। कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। आले रसूल के साथ मवद्दत करना अजर रिसालत है। इसी की अदायगी की खातिर हम हर रोज़ आपकी खिदमत में अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत करने वालों को पेश किया करते हैं। और जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि 13 फरवरी 2023 ईस्वी है, 21 रजबुलमुरज्जब 1444 हिजरी कमरी है। पीर का दिन है। दो आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलाम का दिन है। आज के दिन हम इन दो आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी में रहे। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1087 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। आज हमारे साथ मौला का जिक्र करने के लिए मौजूद रहेंगे इंशाल्लाह साहिबजादा पीर हाफिज़ मोहम्मद गयास चिश्ती गोलड़वी साहब गुजरांवाला पाकिस्तान से, और दूसरे मेहमान मौजूद रहेंगे हमारे साथ नोहा व मनकबत खां जनाब सैयद इजहार हुसैन जैदी फ़तह पूरी साहब कराची पाकिस्तान से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहतरम जनाब साहिबजादा पीर हाफिज़ मोहम्मद गयास चिश्ती गोलड़वी साहब गुजरांवाला पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करबला मौला में मौजूद हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहर में। कैसा लग रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे लिए बड़ी सआदत की बात है कि अल्लाह ताला का जितना एहसान किया जाए उतना कम है कि अल्लाह ताला ने नापायदार ज़िंदगी में उस जगह का शरफ़ बख्शा है। शहज़ादा गुलगुं कबा पै करे सब्रो रज़ा, मुजस्समाए जूदो सखा, पेशवाए औलिया, राकिबे दोशे रसूल, जिगर गोशाए बतूल, नवासाए रसूल, इमाम आली मुकाम खैरुल इनाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कदम बोसी का शरफ़ बख्शा मुझे। ये मेरे लिए बहुत सआदत की बात है। अहले बैत के साथ मोहब्बत और मवद्दत अल्लाह ताला ने, जैसे आपने अभी आयत कुरान करीम की तिलावत फरमाई, कुल्ला सलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दा, अल्लाह ने मवद्दत का हुक्म दिया है। मोहब्बत की हद है, मवद्दत की हद नहीं। और ये बहुत ही एजाज़ की बात है कि मौला के हरम में मौला के चैनल से मुझे ये सआदत हासिल हो रही है। ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। करबला मौला में यकीनन आके दिल को थामना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये मरकज़ इश्क है। इश्क का काबा अगर कहा जाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, दुनिया का किसी भी मज़हब से, किसी भी कौम से, किसी भी ज़बान से ताल्लुक़ रखने वाला है जो किसी चीज़ को नहीं जानता, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जानता है। ऐसा है जी, करबला जो है ये बहुत बड़ी एक दरसगाह है हर मकातबे फ़िक्र के लिए। सुभान अल्लाह। ना ही किसी मज़हब के लिए, ना ही किसी मकतब के लिए, हर मकतब को यहाँ से इलम और फैज़ मिलता है। करबला एक बहुत बड़ी दरसगाह है। ये इमाम आली मुकाम का जो है खानवादा, मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्ला वजहुल करीम का खानवादा यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। ये बहुत बाबरकत जगह, और इन हस्तियों की वजह से दुनिया कायम है। ये हमारे ईमान का हिस्सा, बल्कि मैं यूँ कहूँगा हमारा ईमान है। हिस्सा एक किसी चीज़ का हिस्सा होता है, ये हमारा मुकम्मल ईमान है। बेदम यही तो पाँच हैं मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। बंदा खुदा का उम्मती, प्यारे नबी का हूँ, हसनैन का ग़ुलाम हूँ, खादिम अली का हूँ, माना के बेअमल हूँ, बहुत बुरा हूँ मैं, आले रसूल पाक का अदना गदा हूँ मैं। अल्लाह अकबर। आज आप प्रोग्राम में शरीक हो रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपका बेहद शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमें सवाब में शरीक किया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में, जिसमें हुस्न अक़ीदत पेश किया, वो खाली नहीं लौटाते। दुआ गो हूँ दुनिया और आखिरत में ईमान पर आप साबित कदम रहें और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की हमराही में और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ आपको अल्लाह तबारक व तआला माशूर फरमाए। चाहूँगा मवद्दत का नजराना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कीजिएगा। बिस्मिल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद। तड़प उठता है दिल लफ्जों में दोहराई नहीं जाती, तड़प उठता है दिल लफ्जों में दोहराई नहीं जाती। जुबां पर करबला की दास्तां लाई नहीं जाती, तड़प उठता है दिल लफ्जों में दोहराई नहीं जाती। कहा अब्बास ने अफसोस बाजू कट गए मेरे, कहा अब्बास ने अफसोस बाजू कट गए मेरे। सकीना तक ये मशके आब ले जाई नहीं जाती, तड़प उठता है दिल लफ्जों में दोहराई नहीं जाती। उदासी छा रही है रूह पर शामे गरीबा की, उदासी छा रही है रूह पर शामे गरीबा की। तबीयत है कि बहलाने से बहलाई नहीं जाती, तड़प उठता है दिल लफ्जों में दोहराई नहीं जाती। सुना है करबला की खाक है एक तीर से बढ़कर, सुना है करबला की खाक है एक तीर से बढ़कर। ये मट्टी आँख में लेने से बिनाई नहीं जाती, तड़प उठता है दिल लफ्जों में दोहराई नहीं जाती। जतन हर दौर में क्या क्या न अहले शर ने कर देखे, जतन हर दौर में क्या क्या न अहले शर ने कर देखे। मगर ज़हरा के प्यारों की पजीराई नहीं जाती, तड़प उठता है दिल लफ्जों में दोहराई नहीं जाती। दलील इससे हो बढ़कर क्या शहीदों की तहारत की दलील इससे हो भड़कर क्या शहीदों की तहारत की के मैयत दफन की जाती है नहलाई नहीं जाती के मैयत दफन की जाती है नहलाई नहीं जाती। जुब तड़प उठे ताह दिल लफ्जों में दोहराई नहीं जाती। तमाचे मार लो खैमे जला लो कैद में रख लो। तमाचे मार लो खैमे जला लो कैद में रख लो। अली के गुलरुखों से बूए ज़हरा आई नहीं जाती। तड़प उठे ताह दिल लफ्जों में दोहराई नहीं जाती। कहा शबीर ने अब्बास तुम मुझको सहारा दो। कहा शबीर ने अब्बास तुम मुझको सहारा दो के तन्हा लाशें अकबर मुझसे दफनाई नहीं जाती। तड़प उठे ताह दिल लफ्जों में दोहराई नहीं जाती। मकतार जो है बिस्मिल्लाह। नसीर आखिर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं। नसीर आखिर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं। किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती। किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती। तड़प उठे ताह दिल लफ्जों में दोहराई नहीं जाती। जुबां पर करबला की दास्तां लाई नहीं जाती। माशाअल्लाह, सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। आमीन। आपका ये हुजूरी आपके ये कलाम पढ़ा मौला की बारगाह में मकबूल हो इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम भी आपकी खिदमत में रहूँगा। मौला आप पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए और हमेशा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मवद्दत का हक अदा फरमाते रहें। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद। इस्लाम मोहब्बत का नाम है और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत के अजर को भी इश्क व मोहब्बत के ऊपर रखा गया। कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। मोहब्बतों का पैगाम देने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नुहा व मनकबत खां जनाब सैयद इजहार हुसैन ज़ैदी फ़तेह पूरी साहब कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। या अली मदद, मौला अली मदद। मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लूँ, जी चाहता है प्रोग्राम बढ़ता जाए और आपकी मोहब्बतों की बातें सुनता रहूँ और ये अजर रिसालत जो अदा कर रहे हैं इसका सिलसिला चलता रहे। ज़्यादा वक्त ना लूँ, चाहूँगा इश्क का नजराना मौला की बारगाह में, मोहब्बत का नजराना मोमिनीन की खिदमत में पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह फरमाइएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत ममनून हूँ आज फिर मुझे इस सवाब में दाखिल होने का मौका दिया, बस बिला किसी ताखीर के बारगाह बीवी ज़ैनब सलाम अलैहा, आपने शिरकत करके हमारे ऊपर मौला की बारगाह में पहुंचाने का एहसान फरमाया। मौला पर रहमत, मोहब्बत आपकी। बस बारगाह बीवी ज़ैनब सलाम अलैहा में पेश कर रहा हूँ कलाम। बिस्मिल्लाह। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ैनब अबू तुराब की ज़ीनत का नाम है, ज़ैनब अबू तुराब की ज़ीनत का नाम है, ज़ैनब इमामतों की अमानत का नाम है, ज़ैनब अली के खून की तहारत का नाम है, ज़ैनब हुसैनियत की ज़रूरत का नाम है, माना वजूद शाह में पूरी है करबला, माना वजूद शाह में पूरी है करबला, ज़ैनब अगर न हो तो अधूरी है करबला, ज़ैनब अगर न हो तो अधूरी है करबला, कुरान हुस्न पाया है इनके बयान से, आई अली के घर में बड़ी आन बान से, ज़हरा के दबदबे से पैगंबर की शान से, उतरी किताब हक की तरह आसमान से, उतरी किताब हक की तरह आसमान से, आईने दा के दीन की किस्मत संवर गई, आईने दा के दीन की किस्मत संवर गई, कुरान के घर में नगज बलागा उतर गई, कुरान के घर में नगज बलागा उतर गई, दुनिया में इनका दर दर तौबा से कम नहीं, इनकी कनीज मरियम सारा से कम नहीं, पर्दा ग़िलाफ़ ख़ानाए काबा से कम नहीं, अल-मुख्तसर अल-मुख्तसर ये सानिए ज़हरा से कम नहीं, ज़ैनब उसी का नाम है बैते इमाम में, ज़ैनब उसी का नाम है बैते इमाम में, जिसके लिए हुसैन उठे एहतराम में, जिसके लिए हुसैन उठे एहतराम में। अब यहाँ से भाई बहन की क्या मोहब्बत थी पेश कर रहा हूँ। ज़ैनब हुसैन के लिए उल्फत की इंतहा, ज़ैनब हुसैन के लिए उल्फत की इंतहा, एक दूसरे से रह नहीं सकते कभी जुदा, इस राज से था खालिक अकबर जो आशना, इस राज से था खालिक अकबर जो आशना, इसने सदाए कुन से भी पहले ये तय किया। क्या तय किया परवरदिगार ने? इसने सदाए कुन से भी पहले ये तय किया, नूरे नजर जहां है वहीं नूरे ऐन हो, नूरे नजर जहां है वहीं नूरे ऐन हो, ज़ैनब अगर बहन है तो भाई हुसैन हो, ज़ैनब अगर बहन है तो भाई हुसैन हो। नूरे निगाहे दिल बरे शबर की शक्ल में, ओनो मोहम्मदो अली असगर की शक्ल में, नूरे नजर शबीग पैगंबर की शक्ल में, अब्बास बावफा से दिलावर की शक्ल में, अब्बास बावफा से दिलावर की शक्ल में, करबो बला के वास्ते किरदार ढाल कर, करबो बला के वास्ते किरदार ढाल कर, हर उम्र का अली दिया ज़ैनब ने पाल कर, हर उम्र काली दिया ज़ैनब ने पाल कर। सुभान सुभान। सर पर रिदाए शाम गरीबां लिए हुए, सर पर रिदाए शाम गरीबां लिए हुए, चश्मे हया में अश्कों का तूफान लिए हुए, अज़्मो यकीन शाग शहीदां लिए हुए, बर्बादी ये यजीद का सामान लिए हुए, बर्बादी ये यजीद का सामान लिए हुए, बैत के तालिबान का, बैत के तालिबान का हुलिया बिगाड़ने, ज़ैनब चली है कुफ्र की दुनिया उजाड़ने, ज़ैनब चली है कुफ्र की दुनिया उजाड़ने। होकर असीर दीन को आजाद कर दिया, नाजुक मिजाज कल्ब को फौलाद कर दिया, महशर तलक यजीद को बर्बाद कर दिया, अंदाज इंतकाम का ईजाद कर दिया, अंदाज इंतकाम का ईजाद कर दिया, बुनियाद रख दी जिक्र शगे मशरकैन की, बुनियाद रख दी जिक्र शगे मशरकैन की, कसरे सितम से आई सदाया हुसैन की, कसरे सितम से आई सदाया हुसैन की, ज़ैनब अबू तुराब की ज़ीनत का नाम है। सुभान अल्लाह। सदाबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते रहें, ये ज़िक्र आपकी नस्लों में जारी और सारी रहे। मुख्तसर वक्त रहा, जी चाहता था बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा किया जाए, क्योंकि आप एक जिक्र करने वाले होने की हैसियत से कौम का सरमाया है। मौला आपको अपनी हिफाजत में रखें। सफ़र में ही इंसान है, हर हाल में सफ़र में है, कभी एक जगह से दूसरी जगह, कभी एक मुल्क से दूसरे मुल्क के अंदर, लेकिन जो मोहब्बत हमेशा हमारे दिलों के अंदर मकीन है वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत है। और अल्लाह तबारक व तआला इस सकूनत पजीर मोहब्बत को हमारे दिलों के अंदर इसी तरीके से रासिख रखे और ये जिक्र आपकी नस्लों में जारी सारी रहे। इसी तरीके से अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के फ़ज़ाइल और मसाइब को ज़माने में आम करते रहें। ये सिलसिला मवद्दत आपकी नस्लों में जारी सारी रहे। मैं दोबारा शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमें सवाब में शरीक फरमाया और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हमेशा आपके हर सफ़र के अंदर आपके मुहाफ़िज़ हों, हामी और नासिर रहें। यकीनन उम्मीदवार रहूँगा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से आपका आखिरी सफ़र ना हो, बार बार करबला आना नसीब हो और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दहलीज पर बोसा करना नसीब हो और मौला आपको अपना कुर्ब व जवार दुनिया और आखिरत में नसीब फरमाएँ। प्रोग्राम का आखिरी वक्त है, हम सब हक़ के मुंतज़िर रहते हैं, हक़ को चाहते हैं और हक़ ही हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए, इसके हम मुतकाज़ी होते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने जिसे हक़ बनाया है वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के पीछे चलता है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम अल हक़ मा अली व अली मा अल हक़, हक़ अली अलैहिस्सलाम के साथ है और मौला अली अलैहिस्सलाम हक़ के साथ है। और इसी हक़ का इजहार अल्लाह ताला ने अपनी हुज्जत, आखिरी हुज्जत के साथ रखा है। आखिरी वक्त के अंदर अपने प्यारे याद आते हैं, जिस तरीके सफ़र शुरू होता है ना, प्यारे प्यारे याद आना शुरू हो जाते हैं। और करबला से जाते हुए सबसे प्यारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, ये बहुत याद आते हैं, दिल में एक हुमक सी उठती है। आखिरी वक्त चल रहा है प्रोग्राम का, वक्त के इमाम जो कि कायनात के सबसे प्यारे हैं, जब आएंगे अदल के साथ तमाम दुनिया को भर देंगे, जुल्म जौर ख़त्म हो जाएगा। जो कोई कहता है मैं हक़ हूँ, मैं हक़ हूँ, वो बताएंगे क्या हक़ है। उनके आने से हक़ ज़ाहिर होगा। आएँ अपनी मुश्किलात को हल करने के लिए, परेशानियों के हल के लिए, मुसाफिरीन के सफ़र में बेखतर रहने के लिए, बीमारों की सेहत याबी के लिए, मकरूज़ों के कर्ज़ की अदायगी के लिए, हम सब की मुसीबतों का हल हुज्जत खुदा का ज़हूर। अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फ़रज।